Assalamu alaikum students, how are you all? This is our science class and today we are going to start our next unit, unit number 4. The name is plants. Today we are going to start this unit and ab aaj hum is unit ko start karenge aur kya padhenge. Wow, ye kya hai? Plants. Plants ke bare mein padhenge na. To mujhe ye bataen, aap sabke gharon mein plants honge hai na? Plants are the great blessing of Allah. पता है कैसे कैसे ऐसे कि plants हमें oxygen देते हैं और oxygen हम सांस लेते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? Oxygen कहते हैं. So हमें अपने plants को खुश खुश रखना चाहिए ताकि ये हमें अच्छी अच्छी oxygen दें और अच्छे अच्छे healthy बच्चे बने. ठीक है, चलिए अब start करते हैं. The first topic is living things and non-living things. The world is full of things, है ना. Some are living things and some are non-living things. We can group things according to whether they are living things or non-living things. आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसमें देखें तीन ग्रुप्स बने हुए हैं. नंबर वन ग्रुप में क्या है? मेल्स हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं. नंबर वन ह्यूमन बीइंग्स, नंबर टू प्लांट्स एंड नंबर थ्री एनिमल्स. ये तीनों क्या हैं? ये हैं लिविंग थिंग्स. अच्छा, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड हैविंग यंग वंस. ठीक है, इनके बेबीज भी होते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे. ठीक है, अब बताएं मैनी थिंग्स इन दर वर्ल्ड ए आर नॉट अलाइव. वी से दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. जो अलाइव नहीं होते ना, जो सांस नहीं लेते, जो जिंदा नहीं रहते, वो क्या कहलाते हैं? वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. वो क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दे डू नॉट ईट एनी थिंग, दे डू नॉट हैव यंग वंस. ये देखिए आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, लॉलीपॉप, हाउस, बॉल, ये ड्रम, स्टोन, ये क्या हैं? ये क्या मूव कर सकते हैं? नहीं मूव कर सकते ना खुद से. ये खुद से खा भी नहीं सकते, ये खुद से मूव भी नहीं कर सकते, ये सांस भी नहीं ले सकते. सो ये सब चीज़ें, ऐसी सब चीज़ें जो सांस नहीं ले सकती, मूव नहीं करती, वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. और आज हम बस ये छोटी सी रीडिंग करेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की, बुक पेज नंबर 26 की आज हम रीडिंग करेंगे और टीचर आपको रीडिंग भी बताएंगी.